हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। दोस्तों, जैसे कि कुछ वक्त पहले हमने आपको खबरों के जरिए बताया था कि कैसे एक्टर सोनू सूद प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए बस की सेवाओं की शुरुआत की ताकि वो अपने राज्यों तक, अपने घरों तक पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए चार्टर्ड प्लेन के लिए भी इंतजाम किया ताकि वो अपने घर तक सुरक्षित पहुंचे। सभी ने उनका शुक्रिया अदा भी किया। इसी बीच शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने उनके इस काम के लिए उनको ट्रोल किया। इसके बाद हाल ही में एक्टर सोनू सूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनके बेटे आदित्य ठाकरे से मिले, जिसके बाद उनकी तस्वीरें बहुत वायरल हो रही है। आप जानते हैं कि संजय राउत के ट्रोल करने के बाद अब इस तस्वीरें वायरल होने के बाद लोगों को क्या कहना है और उनकी इस मुलाकात में क्या बातें हुई। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनके बेटे आदित्य के साथ सीएम के घर मातोश्री में मिलने पहुंचे। यह मुलाकात ऐसे दिन हुई जब मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए बसों का इंतजाम करने के मुद्दे पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने उन पर निशाना साधा। सोनू ने उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य के साथ 40 मिनट तक बैठक की। इस दौरान की तस्वीरें सोशल साइट पर काफी वायरल हो रही है। वहीं इस मुलाकात की तस्वीरें आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने तस्वीर शेयर कर कहा, आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री असलम शेख और मेरे साथ एक्टर सोनू सूद से मुलाकात हुई। एक साथ मिलकर लोगों के बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज एक अच्छी सक्सेस से मुलाकात हुई। शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए सोनू सूद की तरफ किए जाने वाले मदद कार्यों पर सवाल खड़ा किया गया। राउत ने कहा, लॉकडाउन के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य तक सोनू सूद को बस चलाने की परमिशन किसने दी? जरूर इसके पीछे कोई राजनीतिक डायरेक्टर हो सकता है। वही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद सोनू सूद ने कहा, हमें उन सभी लोगों का समर्थन करना है जो पीड़ित है और जिन्हें हमारी जरूरत है। मैं तब तक ये काम जारी रखूंगा जब तक कि आखिरी प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच जाता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर पार्टी ने समर्थन किया और मैं उनके लिए सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। बता दें कि सोनू सूद अब तक कई प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचा चुके हैं। इसके साथ ही वे लोगों को राशन भी दे रहे हैं। सोनू ने डॉक्टर्स के लिए उनके जुहू वाले होटल के दरवाजे भी खोल दिए। उन्होंने डॉक्टर्स को पीपीई किट्स भी दी है। दोस्तों, सोनू सूद के इस कार्य के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, हमें जरूर कमेंट कीजिए। साथ ही सामना के मुख्य पत्र में सोनू सूद को जो ट्रोल किया गया, इसके बारे में अभी आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कीजिए, ये वीडियो और लोगों तक शेयर करें। साथ ही और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।